मियांवाली में कबूल खेल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के नाकाम हमले की। पंजाब पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हमला नाकाम बना दिया। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रात गए 12 से 13 दहशतगर्दों ने हमले की कोशिश की। भरपूर जवाबी कार्रवाई के बायस हमलावर फरार हो गए। पंजाब पुलिस सरहदी चौकियों पर हाई अलर्ट, दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। 12 से 13 दहशतगर्दों का कबूल खेल चेक पोस्ट मियांवाली पर नाकाम हमला। तर्जमान का ऐसा बताना है, दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर जदीद असलहे से फायरिंग की। तर्जमान पंजाब पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है, अहलकारों ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हमला नाकाम बनाया। पुलिस की भरपूर फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। बात करेंगे, अनजफर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अनजफर, ये एक अच्छी खबर है कि अहलकारों की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ये हमला नाकाम बनाया गया है। मजीद क्या डिटेल सामने आ रही है इस मुतालिक? ये रात की खबर है। पंजाब पुलिस की बैनल सूबाई सरहदी चौकियों पर हाई अलर्ट हुआ था। एक बार फिर दहशतगर्दों का हमला था जो पुलिस ने नाकाम बना दिया था। पुलिस पर फायरिंग की थी, जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द थे वो फरार हो गए थे। 12 से 13 दहशतगर्द थे जिन्होंने रात गए कबूल खान चेक पोस्ट है मियांवाली पर, वहां पर तीन अतराफ से हमला किया था। दहशतगर्दों ने पुलिस चेक पोस्ट पर जदीद असला शदीद फायरिंग की थी। चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस जवानों ने बेहतरीन हिकमत अमली और जदीद टेक्नोलॉजी से दहशतगर्दों का हमला जो है उसको नाकाम बना दिया था। और पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई और फायरिंग से दहशतगर्द होकर फरार हो गए थे। डीपीओ मियांवाली भी मौके पर मौजूद थे दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए। उनके मुताबिक, पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन जारी, जबकि दूसरी जानब जो आईजी पंजाब है डॉक्टर अनवर उस्मान अनवर, उन्होंने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस टीम को शाबाश भी दी है। जी बहुत शुक्रिया अंस आपने आकर किया। जिंदाबाद।